मित्र सुग्रीव, अपने अग्रज के अंतिम क्रियाकर्म की उचित व्यवस्था कीजिए। नहीं, मैं भी अपने अपने स्वामी की चिता में भस्म हो जाऊंगी। पिता के संरक्षण के अभाव में अपने पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित होता नहीं देख सकती मैं। इससे अच्छा तो मेरा प्राण त्याग देना उचित होगा। माता, आपके भयभीत होने का कोई कारण नहीं। भ्राता सुग्रीव आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और आपके पुत्र अंगद को भी अपने पिता की कमी का आभास नहीं होने देंगे। भ्राता सुग्रीव आपको उचित सम्मान देंगे, उनके राज पद ग्रहण करने के पश्चात आप ही उनकी पटरानी बनेंगी। और आपके पुत्र अंगद को किष्किंधा के युवराज की उपाधि मिलेगी। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है देवी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व महाराज वाली ने मुझ में विश्वास जताया था, इसलिए आप दोनों का कुशल सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। आप निश्चिंत रहें देवी, यहां जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह की शपथ लेकर अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अंगद ही मेरे राज्य का युवराज होगा। महाराज सुग्रीव की जय! 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 मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी सहायता से ही मेरा अपनी पत्नी से पुनर्मिलन संभव हो पाया है। हमने मित्रता की शपथ ली थी, उसका निर्वाहन करना मेरा कर्तव्य था। प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब अपनी पूर्ण सामर्थ्य से यत्नशील होना मेरा कर्तव्य है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में, या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा। प्रभु नहीं मित्र सुग्रीव, सर्वप्रथम आप विधिवत रूप से किष्किंधा के राजपद पर स्थापित हो। अपने राज्य के प्रति अपने दायित्व पूर्ण करने का उद्यम करें। आकाश में उमड़ते काले घने मेघ भी इस बात का संकेत दे रहे हैं।
की वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। यह समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। वर्षा ऋतु के उपरांत ही आप और आपकी वानर सेना का देवी सीता को ढूंढना सहज होगा। उचित है प्रभु, परंतु इस अंतराल में आप मेरे राजप्रासाद में मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्षों तक वन में वास करूंगा। उस अवधि के पूर्ण होने तक मैं किसी राजप्रसाद में प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! बरसे बरखा अति तीव्र उद्भय नृप महाबलि सुग्रीव। जीवन में अब नित नैरास सुंदर भार्या भोग विलास। भूले राजा पाकर राज दत्त वचन रघुवीर का काज। वर्षा काल भी अब छूटो धैर्य लखन को भी टूटो। वर्षा ऋतु को समाप्त हुए तो सप्ताह बीत गए, आकाश भी मेघों से शून्य हो गया है, परंतु भ्राता सुग्रीव का यहाँ आगमन नहीं हुआ। मुझे स्वयं जाकर भ्राता सुग्रीव को स्मरण कराना होगा कि प्रभु श्री राम को दिए उनके वचन को पूर्ण करने का उपयुक्त समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम। महाराज सुग्रीव, हनुमान, आओ मित्र आओ, स्वागत है तुम्हारा। आकर हमारे साथ नृत्य का आनंद उठाओ। We'll be right back.
भ्राता सुग्रीव, कदाचित आप भूल गए हैं, प्रभु श्री राम को दिए गए वचन के अनुसार वर्षा ऋतु के उपरांत आपको माता सीता को ढूंढने के लिए क्रियाशील होना था। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में। मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। चिंता मत करो हनुमान, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे एक दो दिवस का समय और दो। आप पहले ही बहुत विलंब कर चुके हैं, तत्काल आपको इस कार्य में जुट जाना चाहिए, और अधिक विलंब करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। मैंने भ्राता लक्ष्मण को अधीर और क्रोधित अवस्था में देखा है। विलंब के लिए प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि भ्राता लक्ष्मण का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया तो उन्हें शांत करना उतना ही कठिन होगा जितना शेषनाग को वश में करना। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। मैंने कहा ना हनुमान, मुझे एक दो दिवस का समय और दो, फिर जाकर मैं प्रभु श्री राम से स्वयं भेंट कर लूंगा। लक्ष्मण का स्वर है। तनिक रुको मित्र, भ्राता लक्ष्मण, हे राजपुत्र, हे धनुर्धारी श्री लक्ष्मण, अपना आवेश त्याग दीजिए, कृपया शांत हो जाइए। हनुमान, आपके मित्र महाराज सुग्रीव ने अपने वचन का उल्लंघन कर अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। मेरा ये बाण उन्हें उनके वचन का स्मरण करा देगा। क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने वचन को नहीं भूला हूँ, उसे पूर्ण करने के लिए तो मैं प्रतिबद्ध हूँ। यदि ऐसा है
तो आपने इतना विलंब क्यों किया? अपने कर्तव्य का तिरस्कार क्यों किया आपने? महाराज सुग्रीव, अभी तक भ्राता श्री राम की कृपा से आपका परिचय हुआ है। लीजिए, अब हमारे क्रोध का भी अनुभव कीजिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, मेरी विनती सुनिए, भ्राता सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए। वानर होने के कारण वो चंचल स्वभाव के हैं। दीर्घ काल तक अपने जिन सांसारिक सुखों से वंचित रहे, उन्हें अकस्मात प्राप्त कर उनके सम्मोहन से वशीभूत होकर समय का उचित अनुमान लगाने में अक्षम रहे, परंतु अब वो पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए और माता सीता को ढूंढने के लिए प्रस्तुत हैं। भ्राता सुग्रीव के एक आवाहन पर संसार के प्रत्येक छोर से असंख्य वानर यहां पर उपस्थित हो जाएंगे। फिर संसार के प्रत्येक कोने में विस्तृत होकर शीघ्र ज्ञात कर लेंगे कि माता सीता कहां स्थित हैं। हाँ मित्र हनुमान, मैं अभी आपके साथ चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करूंगा और तत्काल माता सीता को ढूंढने का यत्न प्रारंभ करूंगा। क्षमा प्रभु क्षमा, मैं मूढ़ राजसी सुख और भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था। मेरी सुपेक्षा के कारण आपके कार्य में विलंब हो गया श्रीराम, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अब समय आसन ग्रहण करने का नहीं, सभी को आसनों से उठाने का है। अविलंब मुझे वनों पर्वतों एवं अन्य राज्यों से अपने वानर साथियों को एकत्रित करना होगा। हनुमान, दिशा सब छो।
भूल को स्वीकार करने वाला ही सच्चा साथी होता है।